नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और मैं बता दूं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक लोता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे काफ़ी लोग, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, बाहर से भी यहाँ में आकर काफ़ी लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कुछ सालों से, कह सकते 2019-18 से जो यूनिवर्सिटी है उसे पढ़ाई से जाना नहीं जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी सुनने को मिलता है हर साल, कह सकते 2018-19 से काफ़ी कंट्रोवर्सीज और प्रोटेस्ट और रैलियाँ का यूनिवर्सिटी हो चुका है इस तरीके का लगता है। तो आज मैं बता दूं, आज हम भी जब आए हुए हैं यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है जैसे आप देख सकते हैं। और हमें खबर मिली है कि यहाँ पे जितने भी RGU से एफिलेटेड कॉलेजेस है, इस वक्त तो यहाँ पे जो कैपिटल एरिया में जितना भी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस है उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। और हम जो इशू है क्या के लिए इन लोग आज यहाँ पे धरना करें वो तो जानेंगे ही। लेकिन मैं बता दूँ यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कैमरा पर्सन को दिखाए, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ के जो पुलिस पर्सनल्स भी आए हुए हैं। और यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाया हुआ है। तो आप खुद सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाई चलना ज़रूरी है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट करना ज़रूर पड़ा। मैं बता दूँ ये चीज़ पहले नहीं हुआ करता था, पुलिस यहाँ पे नहीं आया करता था पुलिस पर्सन। लेकिन 2019 या 18 कह लीजिए, एक दो सालों से हमें काफ़ी बार देखने को मिला इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में भर रहे जो यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के होते हैं उनसे भी जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और उनको क्या कहना है इसको लेकर। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कवरेज। माई सेल्फ किपान उंगते, जनरल सेक्रेटरी ऑफ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन। यहाँ में आज प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद जो है रिगार्डिंग ये फी स्ट्रक्चर को लेके है। फी स्ट्रक्चर जो है 2019-20 में जो है फी स्ट्रक्चर सिर्फ एग्जाम का फी जो है 400, आफ्टर दैट मार्कशीट का फी जो है तो 200 था। लेकिन आज का दिन में इसको फी स्ट्रक्चर को, एग्जाम का फी को 700 बना के रखे और ये मार्कशीट फी को जो है 250 बना के रखे और प्रैक्टिकल को जो है 600 बना के रखे हैं। तो इस हिसाब से जो है हम लोग वाइस चांसलर को ये 15 को मिलने गया था, लेकिन 15 को नहीं मिल पाया। वो जो है इसको मिलके जब डिस्कस करने के लिए PA को बोला था, तो PA जो है मीटिंग बैठ रहे बोल के प्रीटेक्स किया, बहाना ही था। हम लोग इन मूवमेंट को प्रूव हुए बहाना करके जो है ये रजिस्ट्रर का वहाँ रिकमेंड किया है एंटी रिकम का वहाँ। तो वहाँ जो है हम लोग जाके अपना ग्रीवेंसेस को पेश किए, अपना जो बात था पूरा को रखा है। पूरा को रखने का बावजूद भी एंटी रिकम का कहना वो था कि ये फी स्ट्रक्चर जो है सेम एज ही चल के आया। लेकिन जहाँ तक हुआ आज का दिन में कोई और बोलता है बोलने से भी हम मानना था, लेकिन आज का दिन में एंटी रिकम जो है ये चीज़ को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो समय वो जब रोल बैक हुआ था वहाँ में हमारा DNGC का प्रिंसिपल आप था और आप मालूम था कि ये रोल बैक होके जो है पर्स में जो है 600 बनाने के लिए किया था, इसको रोल बैक करके जो है 420 लेने दे एग्जाम फी को, इसके बाद 250 मार्कशीट फी को मार्कशीट के लिए लेने के लिए किया, इसको जो है 200 में बदलने दिया था। ऐसे करके वहाँ में आप जो प्रेजेंस था वहाँ का क्या क्या हुआ था आप हादसा को मालूम है, इसका बावजूद भी आपका रिस्पॉन्स जो है सेम इजी थी है बोला। इसके ऐसे बोलने पर जो है हम लोग कहीं ना कहीं सर आप भी जो है चीज़ को मालूम हो के डिटेली आप जो है मालूम होने का बावजूद भी आज का दिन में हम लोग को साथ नहीं दे रहे तो गलत है बोले तो वो जो है थोड़ा एग्रेसिव मूड में आके हम लोग को बोला है कि आप लोग क्या कर लेगा। तो वहाँ में जो है वह हो दिन को जो है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का तौर पर DNGC का कुछ बात जो मीडिएटर बनने के लिए वॉइस बनने के लिए सबसे पहले जो है हमको जनरल सेक्रेटरी बनाया है। आज का दिन में रजिस्टर ऑफिस में हम भले ही सिंगल आओ, सबसे पहले हम DNGC का 5000 स्टूडेंट का लीडर है, वो लोग का वॉइस है। हमको जो है सिंगल में नहीं देखना चाहिए था, सबसे पहले आप देखना चाहिए कि DNGC का 5000 स्टूडेंट बात कर रहे हैं। दुईमुख का GS आया था, वो भले ही 3-4 का साथ आने से भी वो जो है 2000 स्टूडेंट का वॉइस था, 2000 स्टूडेंट का मीडिएटर था। इसको जो है आप नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए था। वो जो इलेक्टेड किया वाला लीडर है वो हर स्टूडेंट का इलेक्टेड किया वाला लीडर है। इस हिसाब से भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं होने का कारण फिर हम लोग जो है वाइस चांसलर को मिलने के लिए फिर डिमांड किए, तो फिर से प्रीटेक्स करके जो है वो वही दिन को शाम का अप्रोक्सीमेटली 5 बजे ऐसे को जो है ज्वाइन रजिस्टर का वहाँ रिकमेंड किया है। तो वह हम लोग भी जो है सोचे हैं कि वह रिकमेंड किया है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाने के लिए बात करेगा। तब वह जब गुस्सा है तो हम लोग को जो है फी स्ट्रक्चर ऐसे है वैसे है क्या क्या बहाना बाजी। मीनवाइल जब हम ये कागज़ को डिटेली कहे तो बोलते हैं कि आप लोग का ऑनलाइन समय में ये सेम फी स्ट्रक्चर लिया था,
सेम फी स्ट्रक्चर लिया था, लेकिन आप लोग का जो है ऑनलाइन है बोल के इसको जो है 40% डिडक्शन किया है, तो इस हिसाब से जो है ये चीज़ को जो है आगे करते आए। मीनवाइल हो ऑनलाइन समय ऑनलाइन जब एग्जाम दे रहा था, हम लोग का ये DNGC का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, द्विमुख का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई भी कॉलेज का जो है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए ये चीज़ को वॉइस नहीं कर पाए, इसलिए बात नहीं कर पाए। अभी का समय में जो है जब तू अभी हम लोग का सीजन में जो है अब ये चीज़ को फिर वो ये सेम फी स्ट्रक्चर को दोहराना चाहिएगा, तो अभी हम लोग जो है स्टूडेंट का प्रॉब्लम को मालूम है। अब जो फी स्ट्रक्चर दिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर सके एज ए स्टूडेंट हम मालूम है, ऐसे करके इश्यूज को तो बता दिया ना, जो फी स्ट्रक्चर जो एग्जाम फी को लेकर वो बात कर रहे हैं, तो अभी इन टोटल यहाँ पे सिर्फ DNGC अभी ने द्विमुख का भी नाम मेंशन किया, तो इन टोटल कितने कॉलेजेस से रिप्रेजेंटेटिव आया, और जैसे आपने मेंशन किया कि जो VC है वो आपसे नहीं मिले हैं, तो सिर्फ आपसे नहीं मिले या फिर जितने भी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव है ना उनसे भी नहीं मिले? और VC जो है वो शाम को तो नहीं मिले है, लेकिन नेक्स्ट को जो है विद क्राउड आदमी का साथ हम लोग कुछ कुछ स्टूडेंट जो जो एक्टिव वाला है इसको सेलेक्ट ऐसे सेलेक्ट करके DNGC से 50 अप्रोक्सीमेटली लेके आए, और द्विमुख कॉलेज से भी लेके आए, आफ्टर बिनियंगा वुमेन कॉलेज से भी लेके आया था, तब जाके हम लोग को VC जो है मिला है। मिलने का बावजूद VC का ये कहना था कि स्टूडेंट पॉजिटिव के लिए रिजल्ट लाएगा, आप लोग का प्रिंसिपल लोग का साथ मीटिंग बैठेगा, हो बात करने का कल का दिन को जो है मीटिंग बैठते हैं, मीटिंग बैठने का मीटिंग में जो है कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मीटिंग ऑनलाइन भी हमें हुआ है प्रिंसिपल एवरी कॉलेज का प्रिंसिपल का साथ प्रिंसिपल का साथ डिस्कस करके हुआ है, हुआ तो हुआ है, लेकिन वहाँ का जो सोल्यूशन दिया गया है इसको हम लोग स्टूडेंट जो है कोई भी एफोर्ट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्टेबल नहीं है। वहाँ में ऐसे सोल्यूशन लाया है कि फी स्ट्रक्चर कम करेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिकल स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और BSc में होता है इसको जो है सिर्फ डिडक्शन करने के लिए बात किए, फिर वो भी 600 डाल के रखा था, इसको 500 लेने के लिए प्रैक्टिकल को वो लोग बात करके जो है डायरेक्ट हम लोग को गुमराह करने के लिए वो फी स्ट्रक्चर भी लगाया गया था, लेकिन हम लोग जो है वो चीज़ को एग्री नहीं होके फिर आज जो है फिर अभी टोटल कॉलेज बोलने से अभी DNA इंटर ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना है पूरा तो आ रहा है, जैसे हमारा ये कौन सा बिनियंगा वुमेन कॉलेज, अभी द्विमुख कॉलेज, DNGC और या गंगा में एक तो है ना कुछ अरुणाचल कम्युनिटी कॉलेज, ऐसे करके यहाँ का जो है आज और या चुली का जो है रिप्रेजेंटेटिव लोग आया है। वो जितना भी RGU से सब लोग प्रोटेस्ट में साथ गए, फिलहाल स्टेशन में सिर्फ ये पांच कॉलेज ही है, लेकिन इस कमिंग में जो है सेपा में जो है वो लोग अपना इंस्टीट्यूशन में अभी का समय में प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। इनकेस एग्जामिनेशन फी को भी अभी का समय में लास्ट डेट ऐसे देख के रखे, कुछ कुछ कॉलेज में जो है ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, और कुछ कुछ कॉलेज में जो है आज लास्ट देते हैं, और हमारा कॉलेज में तो हम लोग जो है होल्ड करके रखे हैं, हम लोग का जो है कल से शुरू हो गया है ये जो है, और लेट फी को भी 500 वो लोग बना के रखे हैं, ऐसे करके कुछ कुछ कॉलेज में तो ये दे दिया है बोले, लेकिन इसको भी जो है रिफाउंड करना है। आप लोग क्योंकि अभी आप लोग मिले हैं, आप लोग का बात भी रखा ना, तो अभी क्या आप लोग का डिमांड रहेगा या फिर अपील रहेगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ऑलरेडी कहीं कहीं में तो फी कलेक्शन हो ही चुका है ना, तो बात आप लोग का क्या डिमांड रहेगा? हम लोग का डिमांड ये रहेगा कि फी स्ट्रक्चर को जो है सेम इज इट 1920 में जब हम लोग ये रोल बैक किया था वो सेम फी स्ट्रक्चर जो है अभी का समय में भी चलना है, वो सेम फी स्ट्रक्चर को लेगा तो हम लोग जो है अपना ये प्रोसेस को जो है धक्का यहीं पे समाप्त करेगा, लेकिन तिल जब तक ये मांग को पूरा नहीं करेगा हम लोग जो है आज से लेके जितना करना है करते रहेगा, और आज अगर अच्छा सोल्यूशन नहीं लाते हैं तो ये पसीगत कॉलेज दापोरिजो कॉलेज और ये क्या था जो है यहाँ ज्वाइन होने के लिए तैयार है, ले हो लोग आज जो रिजल्ट आते इसका ही इंतज़ार है। ओके ये एक्चुअली हम लोग का एंड सेमिस्टर ये 2 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए कॉलेजेस को इवन हम लोग का अपना यूनिवर्सिटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और जितना भी एग्ज़ाम ये एंड सेमिस्टर का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है, तो इसमें बीच में ये पी को लेके कोई स्टूडेंट ग्रुप स्पेशली यहाँ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स DNGC का लास्ट 2-3 दिन से इन लोग यहाँ आके
ये कर रहा है कि पी बराया बोल के ना, तो ये पी का बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर दूँ। एक्चुअली जो अभी एग्जिस्टिंग पी है ये 2019-20 में ये किया गया था, मतलब फिक्स किया गया था और एकेडमिक काउंसिल का द्वारा एकेडमिक काउंसिल में अप्रूव करके ना उसको सर्कुलेट भी किया था। तो उसका बाद 20 में हम लोग का यहाँ में ये आ गया, क्या बोलते हैं, पैंडेमिक आने का वजह से एग्ज़ाम्स और एकेडमिक जितना ये है वो ऑनलाइन में शुरू हो गया ना। तो ऑनलाइन जब शुरू आए तो हम लोग फिर एकेडमिक काउंसिल में लेके गया कि ये ऑनलाइन एकेडमिक एक्टिविटीज हो रहा है उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा ये एक्सपेंसेस वगैरह कम होता है और अभी पेंडेमिक भी समय है इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्स देते हैं बोल के। तो उसमें 2020 में ही 60% एंड 40% ना रिलैक्स, 60% पी इंटरमीडिएट जो ये है सेमिस्टर है इन लोग को रिलैक्स किया, देन 40% ये को आपका टर्मिनल जो पास आउट होगा ना उसको। तो वो जो रिलैक्सेशन कंटिन्यू कर रहा है अभी भी कर रहा है, तो वो पी रिलैक्सेशन एक्चुअली जो ओरिजिनल पी 2018-19 का पी है, आपको जस्ट बता दो एग्ज़ाम पी है 700 ना, 700 मतलब यूनिफॉर्म जो ये नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल वाला 600 साथ में देना है प्रैक्टिकल बेस वाला, ऐसा करके 700 प्लस 600 कितना होगा 1200 ना 1300। तो चल रहा था उसका बाद एक पी आता है ये का मार्कशीट का 250 करके ना, तो 250 को प्लस करने से 950 जो नॉन प्रैक्टिकल वाला के लिए ना, और प्रैक्टिकल वाला के लिए 1250 प्लस 1550 कुछ आता है। तो ये पी तो ऑल थ्रो तीन एकेडमिक सेशन से चल रहा था, तो बीच में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था तो जैसे हम बताया 40% एंड 60% रिलैक्स करके हम लोग ले रहे थे। अभी जब कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस शुरू कर दिया ना और एग्ज़ाम भी फिजिकल क्लास होने जा रहा है, तो ये ओरिजिनल पी को ये कॉलेजेस से हम लोग कलेक्ट कर रहा है, और या यूनिवर्सिटी में तो हम लोग अभी तक ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में कोई ये रिलैक्स का ये नहीं है और सेम ऑनलाइन पी ए कलेक्ट कर। तो उसको लेके स्टूडेंट लोग का ये कि हम लोग पी भरा दिया है, उसमें पी भराने का कोई इशू ही नहीं है, पी भराया नहीं है, जस्ट तो ऑफलाइन और ऑनलाइन सिस्टम को ये किए मतलब रिटेन किया। तो उसको लेके जब स्टूडेंट आया फर्स्ट तो मेरा यहाँ आया था तो हम समझाया ऐसा हम लोग पेंडेमिक का चलते लास्ट टू एकेडमिक सेशन में कोई भी पी को ये एग्ज़ाम का अलावा भी कोई भी पी हम लोग स्टूडेंट रिलेटेड का भराया नहीं है, हम लोग को मालूम है कि सब परेशान है सब प्रॉब्लम में है इसलिए भराया नहीं है बोल के हम समझाया इन लोग को। तो उसका बाद नेक्स्ट डे में भी ग्रुप लेके आया 200-300 जैसा ऐसा माफी, तो उसमें भी वो लोग ये कर रहा था कि बीसी को मिलना है बोल के जीत कर रहा था, ठीक है मिलने में कोई ये नहीं है बोल के बीसी भी ऑडियंस दिया, इन लोगों के साथ बात हुआ तो बात करके हम लोग वही बोला है ये तो एक्सक्लूसिवली कॉलेज का ये है, कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा तो हम कॉलेज का अथॉरिटी को कॉलेज का प्रिंसिपल्स को देन कॉलेज में जो एग्ज़ाम चला था इन लोग को हम लोग बात करना पड़ेगा, बात करके ठीक है इन लोग बोलता है ऑफलाइन प्रॉब्लम है ऑनलाइन कर लेगा, मतलब ऑनलाइन भी कर लेगा या ऑफलाइन करेगा बोल के रेडी है तो ऑफलाइन ही करेगा। तो वो सब करके हम लोग प्रिंसिपल्स लोग का कॉल मीटिंग बुलाया, स्टूडेंट को ऐसे समझा दिया कि हम लोग बात करके प्रिंसिपल्स लोग को ही पूछ के ये करेगा आगे का, और पी का बारे में तो पी तो हम लोग
बढ़ाया ही नहीं है, तो कुछ इशू नहीं है। सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन जो एग्ज़ाम पैटर्न उसको हम लोग डिस्कस करके बताएगा। तो कल एग्ज़ाम सॉरी हम लोग 11 AM को मीटिंग हुआ है प्रिंसिपल्स का साथ में, वर्चुअल मीटिंग। तो मीटिंग में ये चीज़ को हम इन लोग को प्लेस किया और प्रिंसिपल इन यूनानिमस ये किया कि हम लोग जब क्लासेस फिजिकल चल रहा है तो हम लोग को फिजिकल एग्ज़ाम ही लेना है, बोर्ड के ना कोई भी मतलब ऑनलाइन ये के लिए तैयार नहीं। तो ये हो गया। उसका बाद पी का बारे में जैसा हम बताया लास्ट तीन साल से पी तो चल रहा है, उसमें बढ़ाने का कोई इशू ही नहीं, तो इसलिए उसमें ये नहीं है। मगर कोई दो चार लोग ये को लेकर रेज किया, क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल को ना, प्रैक्टिकल का 600 थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसको थोड़ा कंसीडर करने से ठीक है बोल के। तो हम लोग कल इन लोगों के साथ बात ही करके प्रैक्टिकल पी को 100 रुपीज़ और 15% विच एवर इज हायर ए, मतलब 100 रुपीज़ मिनिमम 100 रुपीज़ और 15% अगर हायर होता है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर देगा बोल के कल ही डिसाइड किया। तो ऐसा करके ये कल प्रिंसिपल्स लोग का साथ में मीटिंग होके ये दो तीन चीज़ हम लोग डिसाइड किया है। और प्रैक्टिकल बेस का पी को भी हम लोग कॉलेज में 50% रिटर्न करने देगा और 50% सिर्फ यूनिवर्सिटी आएगा। और एग्ज़ाम का भी आप लोगों को बता दो, एग्ज़ाम पी भी कॉलेज में 30% रिटर्न करता है, यूनिवर्सिटी में सिर्फ 70% आता है। तो कॉलेज में जो एग्ज़ाम चलाता है इन लोग का इन्विजिलेटर से लेके जो भी उधर अरेंजमेंट उसके लिए हम लोग उधर में रिटर्न कर देता है। और रिटर्न करने का बाद भी अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको भी हम लोग काली मीटिंग में बोला है आपका रिटेंशन अमाउंट से बियर नहीं कर पा रहा है तो उसको भी आप केस बना के डॉक्यूमेंट का साथ में यहाँ भेज दीजिए, हम लोग उसको कंसीडर करेगा, रीइंबर्स करेगा वो करना। ये सब कल डिसाइड हुआ। उसका बाद बाकी कॉलेज में कोई इशू नहीं है और इन लोग का ज़्यादातर कॉलेज में फॉर्म फिलअप भी लगभग ख़त्म हो गया ना, चौथा कॉलेज तो ख़त्म करके ये हो गया, पैकिंग वकिंग करके भी भेज रहे वो। तो ये है। और आज जो इन लोग पीर द्वारा आके प्रोसेस करना ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब जस्टिफाइड नहीं है। सर जैसे आपने मेंशन किया है कि ज़्यादातर कॉलेजेस का तो फॉर्म फिलअप हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी रिप्रेजेंटेटिव जो कॉलेजेस से आए हैं तो ऑलमोस्ट 5 कॉलेजेस है, आरजीयू का जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने मेंशन किया है कि 2-3 सालों से जो एग्जाम फी चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन सर उनका कहना था, उनके तरफ से उन्होंने केस मेमो भी लाया था, तो उनका ये कहना था कि स्पेशली डीएन का जब आप वहाँ पे प्रिंसिपल थे तो उसी समय को भी रोल बैक किया गया था, तो अभी आप कह रहे हैं कि अच्छा और रोल बैक को बता दो 18-19 में वो सेम ये को लेके इशू उठा था। तो वो एक्चुअली जो पी अभी जो हम बोल रहे हैं उसको कॉलेजेस में टाइमली सर्कुलेट नहीं किया, नोटिस नहीं किया। तो ऐसा करके कोई कॉलेज में पुराना वाला पी जो 400 वो कलेक्ट कर लिया, तो इसलिए उसको कमिटी बैठ के ही ये किया कि ठीक है उस समय उस सेशन के लिए जो भी पी है वो ओल्ड रेट में होगा बोल के ना, पुराना वाला जो 400 आप दिखा रहे ना उस रेट में कलेक्ट करेगा। मगर सब्सिक्वेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर से जो नया जो रेट है ना वो चालू होगा बोल के ऐसा ही डिसीजन लिए। उसमें कोई ये नहीं कि ओल्ड वाला रेट कोई कैरी करेगा बोल के, ऐसा डिसीजन नहीं था। ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट को साथ हो रहा है। जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल है उसके लिए ऐड किया गया है, तो उसके लिए तो मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए तो फी हाइक हो ही रहा है। नहीं ऐड नहीं किया ना, हम आप गलत सुना है। एक्चुअली कल प्रिंसिपल का तरफ से ही रेज किया था कि ये 600 जो प्रैक्टिकल पी है ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वो के, तो उसको हम लोग मदे ये कंसीडर करके 100 रुपीज़ रिड्यूस किया है, रिड्यूस नो था। हाँ
प्रैक्टिकल पी को रिड्यूस किया है, रिड्यूस 100 रुपीज और 15% जो दोनों में से जो हायर होगा उसको रिड्यूस करेगा वो, है ना, तो 600 नहीं होगा अभी, 500 और 500 से कम ही होगा प्रैक्टिकल पी जो है ना। तो अभी अभी आपने जैसे मेंशन किया कि सर कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, तो सर आपको नहीं लगता है कि एज अ आरजीयू का अथॉरिटी अभी यहाँ पे 5 से 7 कॉलेजेस का रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स भी आए हुए, तो आपको मिलकर इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब तक अथॉरिटी की तरफ से एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आता उनका धरना वो कंटिन्यू करेंगे। नहीं वो तो हम लोग डे वन से इन लोगों को बात कर रहे हैं, मीटिंग तो कर रहा है, जब कोई भी आता है तो हम लोग तो बात करता है, रिफ्यूज को नो वो गलत धारणा है। एक्चुअली बीसी इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव को मिल चुका है, बात जितना करना है कर चुका है, अगर अभी भी इन लोग ये करता है कि हम लोग का कोई मतलब जेन्यून ये है तो हम लोग कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते, उसमें कोई नहीं। उधर ऐसा ग्रुप में पब्लिक में जाके तो कौन उस ये को, जब बीसी से ये हम लोग बात कर रहा था उसमें हम लोग एक ग्रुप वो भी टीम बना के सीनियर हमारा स्टेचुटरी ऑफिसर फिनांस ऑफिसर लेके से लेके कंट्रोलर ऑफ एग्जाम देन सीनियर प्रोफेसर 8-10 लोग को हम लोग भेजा था, ऐसा इन लोग उस दिन भी दे भी पड़े थे दे उधर में ये कर रहा था, तो हम लोग भेज के समझाने के लिए नहीं कि ये ऐसा ऐसे, तो उल्टा इन लोग को क्या क्या इवन खराब आना शनाप बोल के वापस भेज दिया, तो वो तो गलत है ना, स्टूडेंट को तो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी तरफ से अभी मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव 2-4 आते हैं तो आप लोग मिलने के लिए रेडी होंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग का डोर ओपन है, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस किस लिए, स्टूडेंट के लिए ना, तो स्टूडेंट का भलाई के लिए हम हैं, और हम जो भी करते हैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए करेगा, कभी हम एंटी स्टूडेंट का खिलाफ काम नहीं करेगा ना। तो ये जहाँ तक पी ये अगर हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में इस बार बढ़ा रहा है तो आप लोग का जेन्यून मतलब कंसर्न है, तो इस बार का अगर हम लोग फर्स्ट लागू कर रहा है तो ज़रूर हम लोग कंसिडर कर सकता था, मगर ये लास्ट 3 साल से चल रहा है ना, उसको हम कैसा जो क्लॉक ऑलरेडी रोल कर चुका है उसको हम एंटी क्लॉक कैसा करें, ये तो लॉजिकल नहीं है ना, आप लोग भी सोच के देखो जो द रूल ऑलरेडी प्रिवेल है उसको कैसे हम वापस ले चल, ये बात है ना।